हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों, मेरे पीछे एक भाई आप देख रहे होंगे जो बैठे हुए हैं, शायद ये हॉट ड्राइवर हैं। तो मैंने सोचा चल के इनसे बात करें और आप उनसे देखें कि रमज़ान में हॉट ड्राइवर का क्या काम होता है और मतलब क्या सिस्टम होता है। तो ये भाई बैठे हुए बड़े सुकून से टोपी वोपी लगाए, तो चल के अगर ये भाई बात करते हैं तो इससे बात करते हैं हम। तो देखिए, इस समय मॉल में है, ये देखिए, और जाएंगे भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। और भाई कैसे हैं? ठीक है, थोड़ा बैठ सकते हैं इधर। और किधर से? हाउट ड्राइवर है कि दिनों दिन क्या है? हाउट ड्राइवर है भाई। मैं वीडियो बना रहा है, मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ नॉर्मली। तो मैंने आपको देखा, माशाल्लाह टोपी वोपी लगा के आप बैठे हुए हैं। तो रोजे थे माशाल्लाह। तो गाड़ी कहाँ है? पार्किंग में खड़ी। कौन सी गाड़ी है? लैंड क्रूजर। गाड़ी चल के बैठे 2 मिनट। ऐसे जब मैं वीडियो बनाता हूँ जो ड्राइवर लाइफ होती है वो दिखाता हूँ कतर में। तो आप बैठे हुए वेट कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना आपसे चल के बात करें। कहाँ पे गाड़ी है? आगे पार। अच्छा, तो भाई जा रहे हैं भाई गाड़ी के पास, वहीं चल के बात करते हैं। और ये लाइव वीडियो है, भाई को पता भी नहीं है अभी हम कौन है, हमें भी नहीं पता। तो देखिए भाई गाड़ी दिखाएंगे अपनी कहाँ पे। ये सिल्वर कलर, ये गोल्डन कलर वाली। तो भाई की ये गाड़ी है, देखिए आप गोल्डन कलर की। तो भाई से हमने पूछा है गाड़ी के अंदर बैठ जाए, तो भाई ने कहा ठीक है, चलो खोलो यार भाई, बैठो आप भी बैठो हम भी बैठते हैं। देख लो भाई की पूरी गाड़ी, देख लो लग्जरी गाड़ी है भाई की माशाल्लाह। और भाई भी माशाल्लाह चेहरे पे नूर उर भी है, रमजान का लग रहा है, रोजे पूरे चल रहे हैं भाई के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आप कहाँ से? इंडिया? मैं इंडिया गुजरात से। गुजरात जी। अच्छा, क्या रहता हूँ? मुंबई में, मलाड। अच्छा, मुंबई में। क्या नाम है भाई आपका? सैयद अमजद अली। सैयद अमजद अली। अमजद अली। तो कितने साल हो गए भाई आपको कतर में? मुझे कतर में अभी एक ही साल हुआ। एक साल हुआ है? इससे पहले कहीं और थे? मैं सऊदी में। सऊदी में कई साल रहे? मैं 12 साल था सऊदी में। 12 साल। तो वहाँ क्या करते थे भाई? मैं भी ड्राइविंग करता था, गाड़ी चलाने का। अच्छा, वहाँ पे भी आप ड्राइवरी करते थे? जी। तो वहाँ पे आप ड्राइविंग करते थे, तो वहाँ पे आप 12 साल रहे हैं, तो क्यों छोड़ दिया भाई वहाँ पे जब इतना अच्छा था वहाँ पे? अच्छा था, कुछ था, फिर घर गए, फिर अभी बोले बस हो गया, अभी इतना साल हो गया, फिर छोड़ दिए। अच्छा। फिर चले गए ऐसा। अच्छा, तो ये बताओ वहाँ कितनी सैलरी मिलती थी? वहाँ 1500 रियाल सैलरी मिलती थी। अच्छा, 1500 रियाल। तो वहाँ के रमजान और यहाँ के रमजान में, पहला रमजान है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे दूसरा रमजान। तो कैसा डिफरेंस पता चला आपको? रमजान का ये है कि वहाँ पे भी अच्छा था, यहाँ पे भी अच्छा है, लेकिन ये था कि सऊदी के अंदर मतलब छोटे मोटे लेबर के वालों के लिए, ड्राइवर के लिए, जैसा मतलब छोटे मोटे आदमियों के लिए इफ्तार जैसा मस्जिद के अंदर था, तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी अच्छे लोग हैं, घर से दे देते, सब मिल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कतर भी बहुत अच्छा है, सऊदी भी अच्छा था। अच्छा, लेकिन यहाँ ये है कि मस्जिदों में नहीं है, मतलब मस्जिदों में नहीं, यहाँ पे खेमे लगते हैं। खेमे लगते हैं कहीं कहीं है, आप हर जगह नहीं है। हाँ, हर जगह नहीं है, लेकिन जब आप कोरोना उस समय कोरोने का पीछे में सब बंद कर दिया गया था, मैं बता रहा हूँ, अब चालू हो रहा है, तो अब कहीं कहीं खेमे लगाए, थोड़ा थोड़ा चालू हो रहा है, मतलब ऐसा, क्योंकि इन्होंने लोग देखो सिग्नल पे खड़े हैं, नमाज का टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया, लोग सिग्नलों पे, जिसको लेट हो गया गाड़ी से मतलब जाने को, घर तक नहीं पहुंच पाया, तो सिग्नल पे लोग खड़े रहते हैं। हाँ, तो ये लोग बेचारे दे देते हैं एक एक थैली पकड़ खजूर जूस और पानी होता है, जो कि आप रोजा अपना खोल लें। हाँ, और बाकी मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा इधर कहीं भी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, रोजा खोलने की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी तुम गाड़ी से हो, घर पे हो, रोड पे हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये बताइए कि वहाँ कंपनी में आप जब काम करते थे तो वहाँ ड्यूटी वाला काम रहता होगा? और यहाँ पे आपकी कोई ड्यूटी नहीं है? तो भाई ये बताओ, सऊदी में आपने कंपनी में काम किया और यहाँ पे हॉट ड्राइविंग काम करे, क्या डिफरेंस है दोनों काम में? क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ दोनों काम में बताओ? अच्छाइयाँ पहले बताओ दोनों काम में। डिफरेंस ये अच्छा ये है कि कंपनी में अच्छा ये है कि मतलब जुम्मा को छुट्टी मिलती है, तो हम लोग को मतलब रिलैक्स मिलता है। अच्छा। और हाउस ड्राइवर क्या है कि छुट्टी नहीं मिलती है। अच्छा। तो मतलब रिलैक्स नहीं मिलता, मतलब कहीं आना जाना नहीं मिलता है। ये है कि मतलब थोड़ा घर में रुको, फिर जाओ आओ जाओ, यही काम है। और हॉट ड्राइवर में क्या अच्छा है? हाउस ड्राइवर में ये है कि मतलब अच्छा तो दोनों काम है, लेकिन मतलब ये है कि थोड़ा रेस्ट मिलता है, फिर थोड़ा काम है, थोड़ा रेस्ट मिलता है, कंपनी में लगातार काम करना पड़ता है। अच्छा, कंपनी में लगातार 8 घंटे ड्यूटी है और इसमें रेस्ट काम, जैसे अभी आप बैठे हैं, ये रेस्ट ही समझो।
मॉल के अंदर चले आए गाड़ी में बैठो। अब ये बहुत से लोग ड्राइवर ये कहते हैं भाई वेटिंग, मेरा कहना ये वेटिंग तो काम ही है मेरा ये वेटिंग, और अच्छा ही है ना घर में रूम में बैठ के अच्छे यहाँ बैठे हुए हैं। वो तो कैसा है मालूम है, जब अपने ऊपर है लोग घूमने गए तो हम भी घूम लिए, वो लोग बैठे तो हम भी बैठ लिए, वो लोग सो रहे तो हम लोग सो गए। भाई ये बताइए तो आप जब कतर आए तो आपको वीजा कैसे मिला? वीजा तो इधर एजेंट से लिया? एजेंट से नहीं लिया, इधर मेरे दोस्त है रिश्तेदार है काला का, उसने भेज दिया मेरे को। अच्छा, तो वीजा के पैसे लगे कि ऐसे ही? वीजा के पैसे लगे। कितना पैसा लगा भाई? मुझे लगा के 40-50 लगा वीजा खाली टिकट वही मतलब सब 40-50 टिकट सब लगा के। तो भाई ये बताओ जब यहाँ पे आए तो अगर सऊदी का लाइसेंस था तो कितने सैलरी में आपके सेटिंग हो गई थी यहाँ पे? मेरे को तो सैलरी ऐसा बोला था 1500 रियाल खाना पीना, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मिल वो तो फिर बढ़ा दिया, सैलरी भी बढ़ा दिया, कितना पैसा भी देने लगे, अभी 2000 रियाल भी दे। माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल चला लेते थे, 2000 सैलरी और खाना पीना दे रहा है। हाँ खाना पीना भी दे रहा है, खाना पीना रूम रूम खाना पीना सब कुछ उसी का है। अच्छा, का। एक साल अभी आपको हुए है तो अभी मुल्क जाने के टिकट ये लोग कब देते हैं? ये लोग देते 2 साल में, अगर 1 साल में जाना तो 1 टिकट दे देंगे, फिर कोई अच्छा है तो फिर दोनों टिकट दे देगा। अच्छा, लेकिन 2 साल में जाने का है, आने जाने का टिकट पूरा खर्चा दे देते, खर्चा भी देते हैं कुछ आपको यहाँ से देते। तो भाई रमजान ईद आती जैसे हम लोग के मुल्क में और यहाँ पे क्या कपड़े वपड़े के पैसे देते हैं, खर्चा पानी दिया ईद में देते हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी रमजान शुरू हुआ है तो अफतारी अफतारी में तो वही इनका खाना ही होता होगा, वही दे देते होंगे? नहीं, हमारे कुक है, वो कुक बनाता है, हम लोग खाते हैं। अच्छा, कुक है आपका आपसी का तो वो बना देता है थोड़ा बहुत, आप लोग आपस में वही खाते हो तो खाने की कोई टेंशन नहीं आनी? कोई टेंशन नहीं, हिंदी खाना मिलता है आप लोग? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, स्पाइसी खाना। कुक किधर का है? बांग्लादेश का। हाँ तो आपस का, तुम दो लोग हो? हम लोग दो नहीं, हम लोग 4 बांग्लादेश के, 2 इंडिया के। बड़ा घर है क्या? हाँ बड़ा घर है, बड़ा। अच्छा यार, तो वो खाना तुम लोग के लिए स्टाफ के लिए अलग बनता है। तो रोजे में ये बताओ अरबी के घर में काम क्या क्या होता है? अरबी के घर में तो टाइमिंग कुछ बताओ, आइडिया बता दो। हाँ, रोजे घर में ये काम है, कभी कभार ये लोग को जाना है तो कई रमजान में भी जैसे रोजे शुरू हुए अभी आपको तो सुबह कई बजे उठाते हैं या कई बजे से कई बजे तक? नहीं, ये लोग ड्यूटी करते हैं, सब जॉब करते हैं, उनको बस ये है कि सुबह उठे 7 बजे जॉब पे छोड़ दिया। 7 बजे का जॉब है? हाँ 7 बजे, 8 बजे का, 8 बजे जॉब पे छोड़ दिया, लेके आके खत्म है। फिर उसके बाद क्या? उसके ऊपर कुछ नहीं, रमजान रोजा खोलने के बाद में इफ्तार के बाद में नमाज वमाज पढ़े, ईसाई कभी जाना है तो गए, नहीं तो नहीं गए, कोई नहीं, आराम है। आराम रमजान में शुरू में थोड़ा कम घूमते हैं। हाँ। और अभी 1 बज रहा है, क्या जॉब से लेके आके यहाँ मॉल में आए हो? मैं अभी, मेरे को आके 1 घंटा हो गया। तो क्या जॉब में लेने गए थे मैडम को, क्या करते हैं? अभी लेके आया हूँ इधर। अच्छा। मॉल में छोड़ा, अभी कॉल आएगा तो फिर लेके। अच्छा, बोले वेटिंग करो। हाँ, वेटिंग। अच्छा, 1 घंटा हो गया। तो भाई अभी आपको 2000 सैलरी मिल रही है, रूम है, खाना पीना है सब, तो रोजे कैसे कटते हैं घर में काम करके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, मतलब कंपनी में काम करके रोजे थोड़ा तकलीफ होती है, घर में काम करके? नहीं, कंपनी में तकलीफ होती है क्योंकि उधर कंटिन्यू काम करना पड़ता है। अच्छा। टाइम टेबल है उधर का भी कंपनी का, लेकिन घर में क्या आसानी, क्योंकि गाड़ी में एसी है, घर में एसी है, आराम से, कोई टेंशन नहीं। अच्छा। ये बताओ सऊदी में और कतर में आके क्या डिफरेंट लगा, क्या अच्छा लगा आपको? सऊदी में ज्यादा अच्छा लगा, कतर में ज्यादा अच्छा लगा, और कहाँ ज्यादा फ्रीडम है? कतर भी अच्छा है, सऊदी भी अच्छा है, फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम कतर में ज्यादा है। तो भाई ये बताओ अभी आप कब जाओगे छुट्टी पे? अभी इंशाल्लाह, अभी देखो अभी 2 साल का रहता है, मुझे 1 साल हुआ, अभी और 1 साल बाकी है अगले रमजान में। चलिए ठीक है भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं नए लोग जो आना चाहते हैं यहाँ पे, और क्या सोच क्या है उनकी, थिंकिंग क्या होना चाहिए? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं वहाँ जाएंगे बस अचानक से बड़े बन जाएंगे, तो आप एक ऐसा मैसेज दो जो स्ट्रगल आपने किया हो, कोई ऐसी बात बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ता है तब जाके तरक्की होती है। मेरा कहना ये है कि अगर किसी को आना है तो आओ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना देख के आओ, जिस कफील के पास आ रहे हो उससे बात करो, अपना एग्रीमेंट पूछो, उसमें क्या है, मुझे खाना मिलेगा, मुझे छुट्टी मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा, सब उससे बात करो। ये नहीं कि आने की जल्दी में जल्दी जल्दी आ जाओ और फिर यहाँ आने के बाद में तुमको सैलरी का प्रॉब्लम होगा, खाने का प्रॉब्लम होगा, फिर तुम बोलेगे तुमने ये नहीं बोला, उसने बोलेगा ये नहीं बोला, ऐसा मत करो। पहला कफिल से बात करो, उससे बात करके एजेंट की बात मत सुनो, कोई भी एजेंट कुछ भी बोलेगा उसकी बात मत सुनो। अरबी नहीं आती तो कैसे कफिल से बात करेगा वो? अगर अरबी नहीं आती है तो इंग्लिश में किसी से बात करावे। कतर में हर कोई सबको इंग्लिश आता है जी, तो किसी और से बात करा के बता दे। चलो आपका ये है कि बात करके आओ। हाँ। अच्छा ये बता दो काम के बारे में कि हॉट ड्राइवर क्या क्या काम होता है, खुल के बता दो, कोई वो नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं वहाँ जाएंगे गाड़ी। हाँ। चलाएंगे और नवाबों से रहेंगे, घूमेंगे लग्जरी का। हॉट ड्राइवर का काम बताओ, ड्यूटी कितने घंटे होती है ये बताओ ईमानदार। हाउस ड्राइवर का काम ऐसा है ना कि कोई इसका टाइम टेबल नहीं है, कभी भी आपको नींद में से भी उठना पड़ेगा, आप खाना खा रहे हो आपको जाना पड़ेगा, आपको कभी भी बुलाएंगे कॉल करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। दूसरे
और दूसरी बात है काम का, क्या क्या काम होता काम में, तो देखो आपको पहले तो गाड़ी वाड़ी साफ करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको जो भी घर में अगर काम कोई बता रहा है तो वो भी करना पड़ेगा, जो काम कफिल बताएगा मैडम बताएगा वो काम आपको करना पड़ेगा हाउस रेंट में। ये नहीं है कि यहाँ आके सब मतलब आसान है, आसान नहीं है भाई। तो भाई हाँ। तो भाइयों आप लोग ने सुना हॉट ड्राइवर का काम में क्या होता है, जो भी काम वो बताएगा खुशी से कर दो, और शुरू में जब नए आओ तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सबर करके लाइसेंस निकालने तक एक दो साल का सफर बहुत मुश्किल वाला होता है। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बगल में आइकन बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें। और भाई रोजे से मैंने ये जेन्युइन नॉर्मल वीडियो बनाई, भाई सऊदी से पता चला पहले 12-13 साल से अब कतर में, तो भाई मेहनत करनी पड़ती, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए यहीं पर वीडियो का एंड करते, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।